40 पहले मैं बोल देता हूँ, कर दिया ऑन कॉल करते हैं। देखो आज अपन घड़ी पढ़ेंगे, घड़ी और इंग्लिश में इसको क्लॉक बोला जाता है, जैसा कि आपको बताया सर क्लॉक है, ठीक है। तो क्लॉक के बारे में आज अपन, तो पहले ये डाउट सॉल्व कर देते हैं, क्लॉक में कि 5 40 वाला ऐसे सीजियल में रखा है, इसने बोल रखा है कि 5 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक आएगा, तो आप 4 को घुमा लो ना, 4 को घुमाओ ना सर, आराम से देखिए ये रहा, इसमें 3 आकर, अरे ये 4 और मैं पासा बना दे रहा हूँ, पासे की दो स्थिति लेता हूँ, 1 4 2 4 5 मैंने आपको बताया था कि ऐसे क्या बनाना सर, 4 2 बना दी। अब इन दोनों में जो कॉमन है उसको यहाँ पर फिक्स करते हैं, अब इसको घड़ी की दिशा में घुमाना, 4 क्या के 1 1 क्या के 2 फिर यहाँ से घुमाना, 4 क्या के 5 5 क्या के जो शेष बचे उसको यहाँ, तो 4 के विपरीत कौन हो गया, अब इसको 1 छोड़ के ऐसे कर दो, 1 के विपरीत 5, 2 के विपरीत 3, तो किसका क्या पूछा है, 5 के विपरीत अंक कौन सा होगा, तो 5 के विपरीत फलक पर ये करें, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। और घड़ी के बारे में, घड़ी के बारे में आपको पहले मैं शुरुआत में बताऊं, उन चीजों को बढ़िया तरीके से फोकस करें, देन वो आपको चीजें समझ, अरे अरे देखिए घड़ी के बारे में, सबसे पहले हम क्लॉक के क्लॉक बना ये घड़ी अच्छी खासी घड़ी देखें, तो घड़ी में जैसे पता है आपको कि यहाँ 3 या 9 या 12 तो घड़ी में कोई भी जो सुई है, चाहे वो 3 सुइयां होती है, 1 घंटे की होती है, 1 मिनट की होती है और 1 सेकंड की, घंटे की, मिनट की और देन इसकी है सेकंड, ये 3 सुइयां हैं, घंटे, मिनट एंड सेकंड। तो कोई भी सुई जब अपना एक चक्कर पूरा पूरा कंप्लीट करती है तो 360 डिग्री का क्या बनता है, एंगल बनता है, टोटल कोण बनता है, वो कितना बनता है, 360, चाहे वो घंटे वाली सुई घूमे, चाहे वो मिनट वाली घूमे, वो चाहे ठीक है। अब देखो, अब वो बात करेगा लगभग 90% वो बात करेगा घंटे की सुई और मिनट की सुई, सेकंड की सुई का वो बहुत कम इस्तेमाल करता है। अब देखिए जैसे अपन घंटे की सुई के बारे में चर्चा करें, घंटे की सुई, घंटे की, अब पर्सन आता है एंगल कैलकुलेट करना रहेगा कि कितने बजकर कितने मिनट है तो कितना एंगल बनेगा, घंटे मिनट की सुई के बीच में कोण कितना रहेगा, ऐसे तो आप जैसे कई चीजों के बारे में सीधा बता सकते हो, जैसे 3 बजे तो आपको पता है कि 3 बजे इसका मतलब 90 डिग्री कोण, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि जब 3:30 हो तब 90 ही हो, 90 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये 3 वाला थोड़ा सा क्या हो जाएगा, अंदर छुप जाएगा, तो ऐसे अपन अनुमान से जवाब नहीं दे सकते। 6 बजे ठीक है आप बोल दोगे कि सर 180 डिग्री का कोण, लेकिन जरूरी थोड़ी 6:30 पर क्या, तो इसलिए अपन कुछ पर्टिकुलर सूत्र भी पढ़ेंगे, उससे पहले अपन थोड़ा बहुत जानते हैं घंटे की सुई के बारे में अपन बात करते हैं। तो नंबर एक पॉइंट कि ये घंटे की सुई जब पूरा राउंड करती है तो वो कितना घंटे घूम लेती है, 12, मतलब घंटे की सुई 12 घंटे में एक राउंड पूरा कर लेती है, और एक राउंड कितने डिग्री का है, तो इस बात को यहाँ पर लिखेंगे कि घंटे की सुई के बारे में सारे पॉइंट लिख रहा हूँ, घंटे की सुई 12 घंटे में कितना कोण बनाती है,
360 की बात क्लियर है। इसका मतलब घंटे किस में, एक घंटे, एक घंटे में कितना कोण बनाएंगे, तो ये 360 डिग्री और ये 12 इस तरफ आ गए नीचे भाग में, मतलब घंटे किस में एक घंटे में कितना कोण बनाएगी, मतलब यदि कोई घंटे वाली सुई है वो 12 से 1 तक आ गई तो मतलब बीच में कितना एंगल बन गया। अब एक घंटे में 30 डिग्री का एंगल बनता है किस किस सुई द्वारा, बात ध्यान रखना घंटे की सुई पर, और एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, ध्यान रखना 60 मिनट में जो घंटे वाली सुई है वो कितना कोण बनाएगी, 30 डिग्री, क्योंकि चाहे 60 मिनट बोलो चाहे 1 घंटा बोलो, एक तो इसका मतलब एक मिनट, एक मिनट ये नीचे चला गया 30/60 मतलब 1/2 आधा डिग्री। घंटे की सुई एक मिनट खिसकेगी तो कितना कोण बनेगा, एक मिनट में 60 सेकंड, 60 सेकंड में घंटे की सुई बना रही है 1/2 डिग्री, तो वो एक सेकंड में घंटे वाली सुई मतलब तो एक सेकंड भी हो जब पर घंटा वाली सुई कितनी खींच सकती है, तो 1/60 मीन्स है 2 × 60 = 100। अब इसमें इम्पोर्टेंट थी, इसमें ज्यादा इम्पोर्टेंट कोई किए बोलो, बात समझ में आई, बात समझ आई ना, इसको नोट कर। लिख लिया, सभी ने देन आगे इसके बाद अब अपने घंटे की सुई के बारे में चर्चा की, अब अपन किस कौन सी सुई के बारे में बात करें, कल मैंने जो पासे को लेकर जितना काम दिया वो सारा कंप्लीट कर लिया ना, यदि कल सारा नहीं किया है तो आज ध्यान रखना, अब एक सिंगल क्वेश्चन भी पीछे नहीं रहना चाहिए, सारा का सारा कंप्लीट कर लेना, क्यों, क्योंकि कल आपको क्लॉक की सीट मिली, फिर आपको क्लॉक की सीट कंप्लीट करनी होगी, उसमें भी टाइम लगेगा, तो वो पासा वो भी कर लिया जो मैंने वो दिया था उसमें से जीडी वाली बुक में से, हाँ देखिए राधे बाकी है ना, वो लाना दिखा वो बुक आया जीडी वाली से पूरा कर ली जीडी वाली, वो जीडी वाली बुक आया इतना पासा बचा है आप थोड़े बहुत पास के आज क्वेश्चन और दिला देते हैं आप।
या 400 में कर दी बट कोई नहीं किया ना है कोई नहीं किया गलती यार आज पढ़े सर बैठे-बैठे क्या पढ़ते थे सिर्फ राजस्थान बोले एक साल तक मैंने सिर्फ यही कार्यक्रम घर आकर भी राजस्थान जी के पढ़ गई फिर एक साल बाद में पढ़ाना स्टार्ट उन्होंने कहा कि वो टोटल नोट्स है वो 600 के पेज के समथिंग 600 पेज में सारा ही लिखा हुआ है समझ नहीं बात 600 पेज है इतना बड़ा रजिस्टर है बोले मैंने खुद ने बनाए अलग अलग सभी कोचिंगों से चुन चुना के ऑनलाइन ऑफलाइन करके मैंने सारा कुछ उसमें लिख दिया छोटे 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 ऊपर वेरी इंपॉर्टेंट वगैरह सब बोले वो मुझे कंटस्ट उसके अलावा मुझे ना इधर से आता है ना उधर से जो आता है वो इतना ही आता है बस वो कंटस्ट है वो बोले याद ही रात उठा दो वो मैं कहीं से बोलना स्टार्ट बोले लोगों को अपनी जॉब में पता नहीं कितना मिलता है कितना नहीं मिलता है उन्होंने कहा कि मैंने इससे बेच लगा लगा कर कोचिंगों में पटा कर बोले कि 1.5 करोड़ से मैं बार बार अपनी अपनी कमाई बोले मेरे पास यही दुकान समझ में आई बात इसको बोलते हैं किसी चीज़ पर कमा अब लेकिन उनमें आप लोगों में फर्क क्या वो मैं चीज़ बताऊँ वो दावा लिखे पहले बैठे वो ऐसा नहीं वो एक ही दिन में उसको कितनी बार रिपीट करते हैं 3 बार तो इसलिए आपको बार बार इतना स्ट्रॉन्ग करना है कोई चीज़ मैं बताऊँ एक अपने चांदमल जी थे उनको तो आप जानते हैं चांदमल जी शांत लाभ शिव वो पढ़ाते वो हाँ बहुत ही शालीन आदमी कभी मिलना बहुत ही विनम्र है ठीक है बहुत ही आराम से बात कर रहे हैं तसल्ली से वो कभी कभी ऐसे बैठे रहते थे वहाँ पे चलती थी कोचिंग तब की बात है 2019-20 के टाइम वो बोलते थे कि कोई टॉपिक इतना परफेक्ट है कि उसको आप पढ़ा सकते पढ़ नहीं सकते पढ़ा सकते जैसे अभी मैं पासा स्टार्ट करूँ मैं पासा को शुरू से एंड तक विद क्वेश्चन विद सॉल्यूशन बिना देखे पूरा बोर्ड पे लिख सकता हूँ और क्लॉक स्टार्ट करूँ तो क्लॉक को मैं बिना देखे लिख सकता हूँ ब्लड रिलेशन को शुरू करूँ शुरू से एंड कर दूँ उसका डायरेक्शन को प्रॉफिट लॉस को परसेंटेज कोई सा भी लोग देन इसका मतलब है वो आपके दिमाग में पूरी तरीके से क्या है क्लियर है समझ में आई अब आप अपने लेवल पर ऐसे तो टेस्ट कर नहीं सकते कि सर हम पढ़ा के तो हम कहाँ देखेंगे हमारा कितना अंक वो कहा करते थे हम बातें करते थे स्टाफ में कभी बच्चों के साथ बैठे तो वो बोलते थे कि वही टॉपिक तैयार है और वही टॉपिक एग्जाम में परफॉर्मेंस देगा जो इतना तैयार है कि किसी को पढ़ा समझ आएगा अब मैं आपके स्टूडेंट के स्तर पर बताऊँ तो उसके कौन सा टॉपिक तैयार है उसके वो टॉपिक तैयार है जिसको वो सब कुछ बंद करके रब रजिस्टर लेके बैठ के लिख दे वो तो उसके तैयार है बाकी का उसको ब्रह्म है जैसे कह के देखते ना वो सुबह शाम कैसे पेन घुमाते हैं कहीं पे हाईलाइटर लगा देते हैं फिर पेन घुमाते हैं फिर हाईलाइटर लगा देते हैं ठीक है ना तो ऐसे करते करते 10-15 पेज पड़े तो वो वापस जो चीज़ रिप्रेजेंट नहीं हो सकती वापस उसका कोई सेंस नहीं है आपने मेवाड़ का पढ़ लिया
अवार्ड पर जब रजिस्टर लेके बैठे बोले कि चलो आप सांगा से आगे का क्रम लिखो, क्रम लिखो प्रत्येक की पांच पांच छह छह विशेषताएं लिखो प्रत्येक शासक की, इतनी देर होकर यदि आप लिख पा रहे तब आप अच्छी स्थिति के बाद में का सुबह का लेवड़ा हाईलाइटर लगड़ा सब चमाचम करोड़ लक्ष्य कोई मतलब नहीं, वो सिर्फ भ्रम है कि आप दो घंटा बैठा खुद ने आत्मसंतुष्टि है कि दो घंटों पढ़ रही हैं, घर का ने भी भ्रम है कि लड़को दो घंटों पढ़ रही है, तो वो खुद ने घर का ने वो पकड़ा नहीं तो इन बढ़िया नींद ले लें पबजी खेल रहा हूँ फ्री फायर हो रहा तो और ये होगा कैसे तैयार मैं आपको बताऊँ, हम टेंथ तक ऐसे ही पढ़ते थे जैसे नॉर्मली पढ़ते, उसके बाद में इलेवंथ से हमारे गुरु जी आए थे तो उन्होंने कहा बेटा ऐसे नहीं पढ़ने का, ऐसे बिल्कुल नहीं पढ़ने का, बोले कि पहली बात तो हार नहीं बनने देने का कि आज जो पढ़ाया कल जो पढ़ाया हमने एस टू जी पढ़ा वो काम बोले कि साइंस में फेल सिद्ध तो बोले कहाँ सिस्टम है कि रोज में एक डेढ़ पेज पढ़ो इन्हें फट जाने पढ़ो घर जाके और उसको क्या करना है दोबारा पढ़ना है और उसके बाद में उसको बिना देखे उस डेरिवेशन को लिखना है तब तो वो आपके क्लियर है बड़ा क्लियर है। तो मैं आपको हकीकत बताता हूँ चाहे मैथ हो चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हम हर रोज उसको फिजिक्स का डेरिवेशन दो तीन बार पढ़ते हैं जब तक बिना देखे नहीं लिख देते तब तक उसको छोड़ते ही नहीं और बोले कि एक बार जैसे ऐसे बिना देखे लिख दिया उसको उसके बाद में अब आपको ऐसे लगेगा कि तो सर ये थोड़ी है कि वो कंटिन्यू हमने एक बार बिना देखे लिख दिया तो वो हमारा हमेशा ही वैसे ही रहेगा वैसा नहीं रहेगा लेकिन ध्यान रखना दिमाग की स्मृतियाँ मिटती नहीं है धुंधली होती है समझ में आई बात। मान लो आपने एक बार बिना देखे लिख के पढ़ लिया पूरा अब आप उसको भूल गए तो उसको एक बार रिवाइज करते जैसे कांच पर से धूल हटाते कैसे होता है नीट एंड क्लीन वैसे होता है इसलिए इस चीज़ का ध्यान मिनट की स्पीड मिनट की सुई एक चक्कर का पूरा करती है तो मिनट की सुई का 60 मिनट में क्या होता है 60 मिनट एक चक्कर कितने डिग्री एंगल का होता है 60 मिनट में मिनट वाली सुई है वो 360 हो गए तो इसका मतलब मिनट वाली सुई है वो एक मिनट में 360 बटा 60 कितना गया एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं 60 सेकंड में 6 डिग्री घूमती है कौन मिनट की सुई के बारे में चर्चा तो इसका मतलब एक से 10
ज़्यादा देखना होता है तो आप उसमें ऐसे बोल कि जब मैं और मेरे बच्चे को क्लास में नहीं जाती तो क्लास में देखा रहता है सेम वही होता है का जो सुई वो बीच में नहीं डाली, सेकंड का सुई बीच में वो नहीं डाली। सेकंड का सुई तो क्या है, जितना बजता है तब तक एक बार वो उसका कोई भरोसा नहीं। तो कैसे क्वेश्चन कैसे, जैसे पहले तो सूत्र लिखता है, जैसे मान लीजिए कि आपसे पूछ ले कि जब 3 बजेंगे तो कितने डिग्री का है, घंटे की सुई और मिनट की सुई। घड़ी में एक तरीका भी है, जैसे थोड़ा छोटा मोटा, वरना क्या करते हैं मिनट की सुई में तो जैसे एक बार लगा लेते हैं, घंटे की सुई में ऐसे 3-2 बार लगा लेते हैं, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि जिसमें 2 तीर ऐसे लगे वो किसकी सुई है, घड़ी की सुई। सेकेंड की सुई को शो करना ही, तो जैसे 3 बजे अब आप सोचते हैं कि घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में कितना एंगल है, देन इसमें तो आप नॉर्मली बता सकते हो कि 90 डिग्री का एंगल। फिर भी अपन चेक कर लेते हैं कि अपना फॉर्मूला कारगर है या नहीं। एंगल को हमेशा थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मान लो ये कुछ भी बचा है, मान लो तो इन दोनों के बीच का क्या निकाला जाता है, कोण थीटा। तो थीटा बराबर होता है मॉडुलस ऑफ 11m-60h बटे। अब पहली बात यहाँ पर 2-3 चीज आती है, एक मॉडुलस का मतलब, मॉडुलस का मतलब ये है कि इसके अंदर आप कुछ भी डाल दो बार हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। जैसे मैं बोलूँ कि x बराबर -2 रखो अंदर, आपने -2 रखा बार क्या आया, मैंने कहा अंदर -4 रखो तो बार क्या आया। कहने का मतलब है कि ये मॉडुलस जो होता है वो अपने अंदर कोई भी चीज़ यदि नेगेटिव है तो उसको क्या बना देता है, पॉजिटिव। ये चीज़ ध्यान रखें, उसको मॉडुलस मोड करता है, मोड। और एम और एच क्या है, जहाँ वे यार जहाँ पर इस सूत्र में एम बराबर है आपका मिनट और एच बराबर आपका क्या है, आवर यानी कि घंटे। अब जैसे इसका आपको चेक करना है कि आपने किस प्रकार से किया, कैसे करोगे सॉल्यूशन। थीटा निकाल 11m, तो m कितना होगा, देखो कि यार जैसे क्वेश्चन में यहां लिख देता हूं, जब 3 बजते हैं तो मिनट कितने हैं, 0 माइनस 60 इनटू h, h कितने घंटे कितने, तो ये कितना हो गया 0-180 के माइनस का 180 और बटे 2 माइनस का 90, लेकिन मोड लगा हुआ के बाद क्या आएगा 90 डिग्री का मोड। आगे बात सुनो, बस इसको नोट करो और फिर तरह तरह के
भी तरह तरह के क्वेश्चन देते हैं जो आए वहां से वो लेके आना होती है। ये 11 था, ये 0 था, तो 11 इनटू 0 0, 0 माइनस 60 इनटू 3 180, 0 में से 180 जाते हैं तो माइनस का 180। 11 का ये सूत्र है। 11 तो सूत्र में है ना? हाँ। अब आपको मैं आरआरबी में रेलवे में पूछे गए क्वेश्चन और एसएससी के क्वेश्चन से उनको हम आपके पास Gracias.
ये फैसिलिटी वाला बात तो बताएंगे, पहले सीख ले तो दो ढंग से इतना तरीके से पढ़ रहे हैं। चलिए अब देखो ये कौन सा रूल है, ये 190 का, ये जो पेन का चलो आपके पास भेजो इसमें निकालो फटाफट निकालो इधर आपके ये मैं इनके आप बदल दीजिए एक को बस आप एडजस्ट कर लो तीनों इनके पास है आप दोनों को लेना ये ठीक है आप दोनों स्मार्ट। अब देखिए पहले एंगल का खेल बता देता हूँ कि एंगल का क्या खेल है। एंगल का खेल इस प्रकार से है कि जैसे मान लो ये घड़ी वो आपने कहा ना कि सर 180 डिग्री वाला वो क्या सिस्टम ये अभी आपको जो सीट बांटी जा रही है ये पास है कि अंतिम सीट है ध्यान रखना कल आपको घड़ी की सीट मिलेगी इसको आज का आज 19 मिनट अब देखिए जैसे ये मिनट की सीट और ये घंटे की सीट ये मिनट की सीट ये क्या हुआ आंतरिक कोण एक होता है वायु दो कोण कैसे अब इन घड़ी की अरे ध्यान से सुन लो पहले समझ लो सीट आपके पास रहेगी आपका देखिए इसमें कि आपने देखा कि सर यहाँ घंटे और मिनट की सुई के बीच में कौन चाहिए ना आपको ऐसे ही बनो कोई मतलब थोड़ी है तो एक यहाँ एंगल बन रहा है और एक दो तरीके से कौन बन रहा है ना भाई बन रहा है कि तो ये जो कौन है ये आपका इंटरनल एंगल है ये आपका आंतरिक कौन और इधर जो कौन बन रहा है वो आपका बाह्य कौन बोलो एक नहीं फिर भी जब हम दो लाइन खींचते हैं तो ये अपना हैबिट है कि जो हम छोटा एंगल होता है उसको अब आप बोलोगे कि सर छोटा कौन सा होगा तो छोटा वो होगा जो 180 डिग्री से क्या है कम जैसे 180 डिग्री पर तो जो होगा वो ऐसे हो जाएगा ये 180 अब मान लो ये हल्का सा भी 180 डिग्री से कम हुआ तो हम ये वाला नहीं लेंगे हम कौन सा लेंगे तो बोले कि सर इसका क्या सॉल्यूशन इसका सॉल्यूशन ये है कि आपको यदि ये एक एंगल पता हो तब आप दूसरा एंगल ज्ञात कर सकते हैं कैसे क्योंकि आपको पता है कि आंतरिक और बाह्य कोण का जो योग है वो कितना होता है 300 तो आंतरिक कोण प्लस बाह्य कोण बराबर में कितना है आपका 300 ये हमको पता चल गया। इसका मतलब यदि हम 360 में से बाह्य कोण को घटा लें तो क्या जाएगा आंतरिक कोण और 360 में से यदि आंतरिक कोण को घटा लें तो क्या मिल जाएगा तो अब हम क्या करेंगे पहले 11 माइनस 60 एच का गोल लगाएंगे और उसके बाद में देखेंगे कि एंगल आया कितना है। पहली बात यदि एंगल 180 से छोटा आया है कोई तकलीफ नहीं आराम से हम उसको टिक करेंगे। नंबर दो चीज यदि एंगल 180 से बड़ा आया तो दो चीज मान लो अभी आपका एंगल आया था 10:09 पर 190 डिग्री एंगल आया लेकिन 190 ऑप्शन में था तो कोई तकलीफ नहीं आप 190 को क्या करोगे टिक करोगे। अब आती है आगे यदि 190 एंगल आपके आ रहा है और ऑप्शन में आपको कहीं पर 190 नहीं मिलता तब आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि यार ये 190 एंगल है 190 एंगल है मतलब ये बाह्य कोण है आंतरिक नहीं है तो यहाँ आंतरिक तो 180 से छोटा होता है भाई ये वो बड़ा है तब आपको क्या करना है उस 190 को 360 में से घटाना है तब आपको 170 प्राप्त होगा और 170 आपको ऑप्शन में मिलेगा समझ गए ना ऐसे आपको काम करना है इसको गौर करना ये कितने साल से 2-1-3 तीन साल क्या नाम सिद्धि का
सिटी का। अच्छा ये किसने दिया आपको? ये किसने दिया? मम्मी घर से लाई थी। और घर पर कहाँ से आया? एक मिनट मम्मी के बैग में पड़ी थी। मम्मी के बैग में कहाँ से आई? आप पढ़ाई करते हो क्या? कॉलेज जाते हो रोज? तो पूरी पढ़ाई होने के बाद आप कॉलेज जाओगे राइट? अभी कौन सी क्लास में? इसके बाद कौन सी क्लास में जाओगे? एलकेजी पास करते हैं आप कौन सी क्लास में जाओगे? बहुत बड़ी क्लास में जाओगे और उसके बाद और बड़ी, फिर ऐसे 5-7 साल में बड़ी खतरनाक क्लास में जाओगे। चलिए अब आपको काम दे रखा है, काम को कंप्लीट कीजिए। आज का तो सेशन है, इसको यहीं पे एंड करते हैं। हाँ मेरा नाम पूछेंगे हम भी अपनी मम्मी से, फिर आपको बताएंगे। हाँ चलो रोको इसको। बड़े होकर क्या बनोगे आप? क्या पढ़ाई